Hello everyone and welcome to the channel. आप सब में देखा होगा एक ऐसा देश जहाँ है दस लाख का नोट तो वो देश है इकोनॉमिक we'll ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर दस लाख का नोट है एंड वहां पर दस लाख का नोट क्यों है उनकी इतनी बुरी हालत क्यों है या अच्छी हालत क्यों है जैसे भी हालत है लास्ट we'll so, तक देखे एंड लेक्स्ट स्टार्ट पॉइंट्स जिनका पढ़ना बहुत जरूरी है सबसे पहले लोकेशन वेनेजुएला की लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका की तरफ है ये देन कम्स, अच्छा जैसे इंडियन रुपी चलता है अमेरिकन डॉलर चलता है वैसे ही वेनेजुएला में चलते हैं, ठीक? उन्होंने छापा है दस लाख बॉलीवुड मतलब दस लाख का नोट ठीक है अगर उसे डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ हाफ डॉलर है वहां का दस लाख इज इक्वल टू हाफ डॉलर एक डॉलर भी हमारा 74, 75 के है, वो 74, 75 के का जस्ट हाफ, जितना भी होगा 36, 37 वो है सिर्फ 10 लाख बॉलीवुड की कीमत वहां पे। ऐसा क्यों है भाई हाइपर इन्फ्लेशन है वहां पे परसेंट देखिए आप टू सिक्स फाइव परसेंट का हम सबने पढ़ा था कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है देन हमने पढ़ा था रनिंग इन्फ्लेशन होता है

तो उस दस लाख में से आप सिर्फ हाफ किलो राइस खरीद सकते क्या न्यू इमेजिन दस लाख में सिर्फ और सिर्फ आधा किलो चावल चावल की कीमत क्या होगी जस्ट इन महंगाई की दर आप सोचिए कि पूरी कंट्री की दशा इतनी बुरी हो चुकी है इतनी खराब हो चुकी है कि हाइपर इन्फ्लेशन को टैकल नहीं कर पा रहे हैं उससे बचने के लिए सबसे बड़ी करेंसी का नोट छाप दिया दस लाख किसी देश में नहीं छपा होगा एंड छापा तो छापा वहाँ पर मिलता गया है दस लाख में सिर्फ और सिर्फ आधा किलो चावल आप खरीद ही नहीं सकते कुछ तो कोई यूज ही नहीं हुआ इवन हाफ लीटर इन इंडिया अगर आपके पास इंडिया में दस लाख बॉलीवर्स हैं तो आप आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं खरीद सकते बिकॉज दस लाख इज इक्वल टू थर्टी सेवन इन इंडिया अगर आपके पास दस लाख वॉलवर्स है तो उसका सीधा मतलब है in तो थर्टी सिक्स थर्टी सेवन में हम क्या खरीद सकते हैं Even half liter petrol will not be available. तो ये कुछ बुरीशन है कि भाई दस लाख का मतलब सिर्फ आधा डॉलर है एंड दस लाख का मतलब किलो चावल भी आप वेनेजुएला में आधा किलो दाल भी आप वेनेजुएला में नहीं खरीद सकते पेट भर के खाना तो नहीं खा सकते ओके नेक्स्ट वी रीड अबाउट अब कुछ रीजन है कि ऐसा क्यों है इतनी बुरी कंडीशन इकॉनमी की इकोनॉमी की कैसे होगी So हमारे हम अच्छा हम यहाँ में, में की हल्की सी झलक आई थी जब हर चीज में थोड़ी सी दिक्कतें आने गई थी तो हमारी कंट्री ने कुछ इनिशियल स्टेप्स उठाए थे जिससे कि दोबारा से रिसेशन से बाहर आ गए है ना स्पेंडिंग गई थी गवर्नमेंट के द्वारा बड़ी सारे स्टेप्स उठाए गए थे बट इनकी कंट्री में रिसेशन इज फॉर लास्ट

आने वाले साल में इस साल के 2021 के अंत तक इसका जो इकोनॉमी है वो 20 और सोचिए 20 और गिरेगी अब इससे ज्यादा क्या ही गिरेगी बट स्टिल 20 और गिरेगी देन वील रीड अबाउट वेनेसोराज इकोनॉमी इज गेटिंग वर्स ऑब्वियसली इतनी बुरी हालत है तो कंडीशंस वर्स ही होती जाएंगी द कंडीशन ऑफ वेनेसोराज इकोनॉमी हैज नाउ बिकम के पास जिससे किशू रिस, कि करना होता तो हो, हो कि है तो हेल्पी है बट ये क्या कर रहे हैं ये अगर इन्हें कुछ खरीदना है तो ये अपना गोल्ड बेच रहे ठीक है ना कंट्री हैज बाय गुड्स बाय सेलिंग गोल्ड मिलियन ऑफ पीपल डेली गो टू बेड हंग्री भाई देखिए एक नॉर्मल इंसान है अगर तो उसके पास 10 लाख रुपए का नोट होना इज नॉट रुपए 10 लाख बॉलीवर्स का नोट होना इज इम्पॉसिबल हर इंसान के पास नहीं होगा मिलियंस ऑफ पीपल डेली गो टू बेड हंग्री बिकॉज दे डू नॉट हैव फूड टू ईट इतनी बुरी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट देर आर अबाउट सेवन लाख पीपल इन वेनेजवेला हु डू नॉट हैव मनी टू मनी टू बाई इवन फूड सोचिए कंडीशन सोचिए आप सात लाख के अराउंड लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है कि वो कुछ खाने की चीज कोई खरीद पाएंगे ऑब्वियसली बात है इतनी बुरी कंडीशन में तो कोई भी नहीं रहना चाहेगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट आफ्टर टू थाउजेंड थर्टीन अबाउट थ्री मिलियन पीपल है इक्वेडर एंड पेरू ये आसपास की कुछ जगह है हाँ देशवासियों ने जाकर रिफ्यूजी ले लिया रिफ्यूज बन गए तो so इतनी बुरी कंडीशन है कि इनके ट्रूप्स लगाने लग गए लगाने पड़ गए जस्ट इमेजिन तो अब आ जाते हैं कुछ मेजर प्रॉब्लम्स के ऊपर कि ऐसी कंडीशन है क्यों इतनी बड़ी दिक्कतें हैं क्यों

भाई यहाँ पर पावर कट के बड़े सारे प्रॉब्लम होते हैं। हाँ, दिक्कत तब हुई दावर सो मच पावर क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ गया कि अप्रैल 2016 में गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब से गवर्नमेंट ऑफिस सिर्फ दो ही दिन खुलेंगे दैट इज मंडेज एंड ट्यूजडेज तो सोचिए बिजली की खपत को रोकने के लिए इन्हें अपने गवर्नमेंट ऑफिस सिर्फ दो दिन खोलने पड़ रहे हैं। तो इतनी बुरी हालत है यहाँ पर बिजली की थर्ड प्रॉब्लम इज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन अब इसे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यही सबसे बड़ी दिक्कत है इतनी बुरी तरह से इन्फ्लेशन ने इन्हें जकड़ लिया है कि हाइपर एंड गैलपिंग इन्फ्लेशन इनके यहाँ सात सालों से ही कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहा होगा तब जाकर अब इतनी बुरी हालत हुई है एंड इतने परसेंट का इन्फ्लेशन है हर एक चीज में अनदर इशू हेयर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये भी एक बहुत ज्यादा है स्टेट है इस से ही ये सारी उन्होंने किसी और को वोट देकर जिताया था एंड दूसरा बंदा बोल रहा है अपोजिंग वाला कि नहीं हम बनेंगे तो देयर इज अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला हमेशा से इतनी बुरी कंडीशन में था वेनेजुएला अपने आप में ऑयल रिजर्व्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है आपको पता है पहले पर पेट्रोल प्राइसेस क्या थे? इट वॉज एक रुपये समथिंग इंडिया के हिसाब से एक रुपये के अराउंड मिल जाता जब इनकी इकोनॉमी अच्छी थी तो सोचिए वहां पर पेट्रोल की कीमत इतनी सस्ती है क्योंकि उनके पास ऑयल की भंडार है रिजर्व है पहले बहुत अच्छी कंट्री हुआ करती थी अमीर भी थी क्योंकि इतना ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करती थी तो काफ़ी अच्छी पोजीशन थी बट स्लोली एंड सडली गवर्नमेंट जो इनकी इतनी बेकार आई कब किसी क्या करना है कुछ पता ही नहीं था और हेड ऑफ द स्टेट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया स्लोली एंड सडनली कंट्री हैजंग्ड इन टू डेट ट्रैप और डेट ट्रैप में आने के बाद ही चीजों को महंगे करने लग गए जैसे लोगों से पैसे लें और महंगा करते 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 कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए नहीं गए हैं जिस वजह से पहले आपका कंट्री में डाउनफॉल आने लगा होगा तो रिसेशन और सात सालों से लोग रिसेशन में जी रहे हैं आज की डेट में इतनी बुरी कंडीशन है कि इतने बड़ी करेंसी दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी का नोट छापा गया है जिस देश में उस करेंसी से भी कुछ खरीद कर लोग खा नहीं सकते क्योंकि उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है पोअर वैल्यू है तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम थी अबाउट डिस्कस अबाउट ओके सो टॉपिक लास्ट लाइट थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मैंने आज कुछ इस तरीके का वीडियो बनाने की सोची थी कि कुछ करेंट पे बनाते हैं कि जहां पर हम दूसरी कंट्रीज कंट्री की इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे सो दिस वॉज इज वेलर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अब हम देखते हैं कि और कौन सी इकॉनमी को डिस्कस करते हैं तब तक के लिए थैंक यू ऑल सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दीडियो गिव यू लाइक शेयर अगर अच्छा लगाओ तो प्लीज शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स को कमेंट्स सजेशन क्वेरीज एनी थिंग काइंडली यूज द कमेंट बॉक्स एंड वे गॉड ब्लेस यू